नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। आज विश्व रेडियोलॉजी दिवस है। हम सब ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी एक्सरे जरूर करवाया होगा, या तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, या गिरकर चोट लगने से हड्डी में फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए, या छाती से संबंधित रोगों के लिए छाती का एक्सरे जरूर करवाया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरे की खोज किसने की थी, कैसे एक्सरे की खोज ने दिलवाया फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज, और आखिर कैसे एक्सरे का आविष्कार किया गया था। बात 8 नवंबर 1895 की है, जब विल्हेल्म कॉनरेड रोंजन नाम का एक वैज्ञानिक अपने आविष्कारक लैब में दो इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच हाई वोल्टेज का करंट पास कर रहा था। तभी उसकी नजर में ये आया, कमरे में अंधेरा होने के बावजूद भी दूर रखी क्रिस्टल की एक शीट अचानक जगमगाने लगती है। लेकिन वो ये जानकर चौंक गया कि ये ऐसा किन किरणों की वजह से हो रहा है। इन किरणों का नाम ना पता होने के कारण, जैसे गणित में होता है कि जब किसी फैक्टर की हमें वैल्यू ना पता हो, संख्या ना पता हो, तो हम उसे एक्स कहकर संबोधित करते हैं, तो वैसे ही इस आविष्कारक ने, इस वैज्ञानिक ने उसका नाम एक्सरेज रख दिया। मजे की बात यह है कि ये एक्सरेज किसी वस्तु के आर पार भी जा सकती थी। अपने आविष्कार के समय, या जब उस आविष्कार को बार बार दोहराया उसने, तो उसने पाया कि ये किरणें तो व्यक्ति के शरीर के आर पार भी हो सकती हैं, और ये किरणें कुछ कोशिकाओं को तो आर पार कर जाती हैं, और कुछ कोशिकाएं इसके बीच अवरोध बनती हैं और उनकी परछाई बना देती हैं। सबसे पहले एक्सरे इस वैज्ञानिक की पत्नी पर ही किया गया, और उनके बाएं हाथ का एक्सरे, जिसमें हम साफ तौर से देख पा रहे हैं कि उनकी हाथ की उंगलियों की हड्डी के साथ उनके विवाह की अंगूठी भी दिखाई पड़ रही है। जैसे ही इस आविष्कार की घोषणा या प्रकाशन विल्हेल्म कॉनरेड रोंजन ने अपने रिसर्च पेपर्स में किया, तो मानो साइंस की दुनिया में एक तहलका मच गया। ना केवल इस वैज्ञानिक को अपनी खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, बल्कि आगे चलकर एक्सरेज ने हमारी मेडिकल सर्विसेज में और विज्ञान में बहुत अहम भूमिका निभाई। आज तक इस एक्सरेज में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। जहां पहले एक और फिजिकल फिल्म पर एक्सरे शूट करके उसको डेवलप किया जाता था, उसको फिक्स किया जाता था, फिर उसको फिल्म को धोया जाता था, उसके बाद एक्सरे डेवलप होता था, वहीं अब डिजिटल एक्सरेज का जमाना है। अब या तो पेशेंट यानी जो मरीज है उसको डिजिटल एक्सरे कंप्यूटर में ही दे दिया जाता है, मोबाइल फ़ोन में भी दे दिया जाता है, या फिर उस डिजिटल एक्सरे को प्रिंट करके रिपोर्ट के माध्यम से मरीज को दे दिया जाता है। लेकिन जहां एक ओर एक्सरेज के इतने सारे गुण हैं, उसके इतने फायदे हैं, वहीं दूसरी ओर एक्सरेज के काफ़ी नुकसान भी हैं। गर्भवती महिलाओं को कुछ समय के लिए, यानी गर्भाधारण के कुछ अवधि के लिए एक्सरेज से दूर रखा जाता है, यानी यदि उन गर्भवती महिलाओं को एक्सरेज की ज़रूरत है तो उन्हें कुछ अवधि के दौरान उससे दूर भी रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक और एक्सरे टेक्नीशियंस, जिनको रोज़मर्रा में कई कई एक्सरेज जो है वो लेने पड़ते हैं और एक्सरे का एक्सपोजर उनको होता है, उन्हें काफ़ी सावधानियां भी लेनी पड़ती हैं। और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। तो ये थी खास पेशकश कैथल ब्रेकिंग टीवी की। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।